नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। अगर बात चेहरों की खूबसूरती की करें तो कहावत है कि सियासत में दमकता चेहरा जितना हसीन है, राजनीति उतनी ही तीखी होगी। और पाकिस्तान में इन दिनों सियासत खूबसूरत चेहरों पर टिकी है। अब चाहे आप सियासत से कितनी भी दूरी बनाने की कोशिश करें, कभी ना कभी आपकी नजर इन पर ही टिक जा सकेगी और इन्हें देखकर आप कहने को मजबूर हो जाएंगे कि क्या हंसी सियासत है। पच्चीस जुलाई को पाकिस्तान में इलेक्शन है और आवाम अपने हुक्मरानों का फैसला सुनाएगी, लेकिन इस बार का चुनाव कई मायनों में खास है। महिलाओं ने चुनाव से पहले ही बड़े बदलाव का बिगुल बजा दिया है और पाकिस्तान के सियासी इतिहास में लिख दी है नई इबारत। पूरे शबाब पर है पाकिस्तान में चुनाव प्रचार। फैसले के दिन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, चुनावी बुखार बढ़ता जा रहा है। चुनावी रैलियों से आवाम को सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं, अकलियत के हक हकूक की बात की जा रही है। तो नकाब को हटा, ब्यूटी विद ब्रेन भी विरोधियों को पस्त करने के लिए मैदान में है। और इस बार हर चुनावी रैली में महिलाएं प्रचार कर रही हैं और पुरुषों के मुकाबले उनकी रैलियों में भीड़ भी ज्यादा जुट रही है। क्या ये नजीर कम होगी कि इस बार के असेंबली की 272 सामान्य सीटों पर 171 महिला उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रही हैं? ऐसा भी नहीं रहा कि पाकिस्तान की सियासत में महिलाओं का दखल न रहा हो। पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की कभी तूती बोलती थी, अपनी खूबसूरती और हाजिर जवाबी से भुट्टो ने सभी को अपना कायल बना दिया था। नतीजा ये था कि एक वक्त में मुल्क की राजनीति उनकी मुट्ठी में थी, लेकिन साल 2007 में बेनजीर को रावलपिंडी में एक चुनावी सभा में खत्म करने के बाद वहां की राजनीति में महिला सियासत में खालीपन सा आ गया। सवाल ये था कि क्या पाकिस्तान की सियासत में खातूनों को वाजिब हक मिल पाएगा, तो मोहतरमा ने उसे भी साबित कर दिया। दो साल पहले मुल्क में हुए निकाय चुनाव में भी काफी संख्या में महिलाओं ने चुनाव में जीत दर्ज की थी। निकाय चुनाव की जीत ने मानो पाकिस्तानी महिलाओं में जोश भर दिया था और महिलाएं घरों की चौहद्दी से निकलकर सियासी पगडंडियों पर बड़ी तादाद में चल पड़ी। उनके पंखों को परवान दिया पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने सभी दलों के लिए महिला प्रत्याशियों का कोटा 5% कर दिया है, यानी किसी भी राजनीतिक पार्टी में कम से कम 5% महिला प्रत्याशियों को टिकट देना ही होगा। यही नहीं, अगर किसी सीट पर महिलाओं की वोटिंग प्रतिशत 10% से कम रहती है तो वहां दोबारा चुनाव करवाया जाएगा। इन फैसलों का माकूल नतीजा भी निकला। सभी पार्टियों ने बड़ी संख्या में महिला उम्मीदवारों पर दाम लगा दिया। नवाज शरीफ की PMLN ने 37, इमरान की PTI और भुट्टो की PPP ने सर्वाधिक 42 महिला उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। चुनाव में बाहर होने से बचने के लिए अल्लाह अकबर तहरीक जैसे कट्टरपंथी राजनीतिक दलों को भी महिलाओं को टिकट देना पड़ा। चुनाव में जंग में ताल ठोक रही इन हसीनाओं की रैलियों में आवाम भी खुलकर इनका समर्थन कर रही है, यानी कि जुबानी तीर, दिग्गजों के दमखम के बीच खूबसूरती और नजाकत का तड़का भी इलेक्शन को इंटरेस्टिंग बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। वैसे ब्यूटी के साथ ब्रेन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो अच्छे अच्छों के पसीने छुड़ा दे। पाकिस्तान की सियासत में भी ये कॉम्बिनेशन कमाल का है। जहां नजाकत के साथ मुद्दों पर नजर है तो कातिलाना अंदाज के साथ हर सवाल का काट भी, और इस कॉकटेल ने पाकिस्तान की सियासत को बना दिया है स्पेशल। ऐसी ही कुछ हसीन मोहतरमाओं का तारुफ आपसे करवाते हैं जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पावरफुल साबित हो रही हैं। पाकिस्तान में ब्यूटी विद ब्रेन अब सियासत पर हावी दिखाई दे रहा है। ये खूबसूरत चेहरे न केवल अपनी खूबसूरती से लोगों को कायल कर रहे हैं, बल्कि जुबानी तीर विरोधियों पर जब छोड़ते हैं तो हर कोई इनका मुरीद हो जाता है। ब्यूटी विद ब्रेन में सबसे पहले नाम आता है हिना रब्बानी का। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पला की खूबसूरत हिना रब्बानी
पाकिस्तान की सियासत का ये चेहरा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इनकी चर्चा पूरी दुनिया में रहती है। वैसे तो हिना इस बार चुनाव नहीं लड़ रही हैं, लेकिन पार्टी के लिए प्रचार में खूब पसीना बहा रही हैं। डॉक्टर नफीसा शाह पीपीपी पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं। वो सिंध के पूर्व मुख्यमंत्री सैयद कयाम अली शाह की बेटी हैं। सदर नेशनल असेंबली की सदस्य और खैरपुर की पूर्व मेयर रह चुकी हैं। नफीसा के अलावा सिंध असेंबली की पूर्व डिप्टी स्पीकर शहला रजा भी चुनाव मैदान में उतरी है। चुनावी दंगल में शहला इमरान खान से दो दो हाथ कर रही है। पीपीपी ने उन्हें एनए 243 कराची से उम्मीदवार बनाया है। पीपीपी ने असमा अरबाब आलमगीर को भी चुनाव मैदान में उतारा है। असमा पूर्व मंत्री अरबाब आलमगीर की पत्नी है और वो खैबर पख्तूनवा से एनए 27 से किस्मत आजमा रही है। पीपीपी में इस बार महिला प्रत्याशियों का चयन काफी सोच समझ कर किया गया है और उन महिला प्रत्याशियों को तवज्जो दी गई है जिनका कोई न कोई पुराना नाता राजनीति से रहा है। अन्य उम्मीदवारों में डॉक्टर अजरा फजल को PS-37 शहीद बेनजीराबाद से चुनाव मैदान में उतारा गया है, जो कि पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की बहन है। फरियाल तालपुर PS-10 लड़काना से चुनावी मैदान में है। फरियाल तालपुर पीपीपी के महिला विंग की अध्यक्ष है और फरियाल तालपुर भी पूर्व राष्ट्रपति आसिफ जरदारी की बहन है। शाजिया मर्री को पीपीपी के टिकट पर सिंध प्रांत के संघार से चुनाव मैदान में उतारा गया है। शाजिया मर्री 2013 इलेक्शन में जीतकर असेंबली की सदस्य बनी और अहम मंत्रालय को बतौर मंत्री बखूबी संभाला। डॉक्टर फिरदौस आशिक कमान NA-72 सियालकोट से चुनाव मैदान में है। वो भी चुनावी मैदान में अपना पूरा दमखम दिखा रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी कि PMLN में महिला उम्मीदवारों में मरियम नवाज भी चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार थी। पार्टी ने उन्हें एनए 127 से चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में सजा होने से वो चुनाव नहीं लड़ पा रही हैं। लेकिन मरियम का जादू इलाके में फिर भी चलेगा, पार्टी कार्यकर्ताओं को इसका पूरा यकीन है। सुमैरा मलिक भी PML से उम्मीदवार हैं। वो खुशाबाई से एनए 69 सीट से चुनाव मैदान में हैं। वो लगातार 3 बार चुनाव जीत चुकी हैं और अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं। यानी कि ये रही पाकिस्तान की ब्यूटी विद ब्रेन, जो अपने दुश्मनों को परास्त करने के लिए अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने ब्रेन का भी बखूबी इस्तेमाल कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। और फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे पाकिस्तान किस तरह हिंदुस्तान की देखा देखी कर रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए अब आपको पाकिस्तान की खूबसूरत पॉलिटिशियन से मिलवाते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत को तो बदला ही, साथ ही लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ा दिया है, जिससे आगामी चुनावों में मुकाबला और भी टक्कर का हो गया है। तो चलिए देखते हैं आपको पाकिस्तान की सियासत के कुछ खूबसूरत चेहरे कैसे लगते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आज के दौर में पाकिस्तानी औरतें भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही हैं और बड़ी ही तेजी से लगभग हर फील्ड में कदम जमा रही हैं। यही नहीं, पाकिस्तानी सियासत में भी महिलाओं ने अपना सिक्का जमाया है। यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं पाकिस्तान की 10 खूबसूरत सियासतदानों के बारे में। नंबर 10 पर है शाजिया मर्री। शाजिया मर्री सिंधी बलोच पाकिस्तानी सियासतदान है और ये मेंबर ऑफ असेंबली भी रही है। वो सिंध की सुबई है और मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिक पावर भी रह चुकी है। नंबर 9 पर है ससुई पॉलिजो। ससुई एक लिबरल सियासतदान है और कॉलमनिस्ट भी है। इनका ताल्लुक भसीन से है और इनकी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है। नंबर 8 पर है सुमैरा मलिक। सुमैरा मलिक मशहूर पॉलिटिकल एंड सोशल वर्कर है। सुमैरा ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। सुमैरा कलाबाग के नवाब की पोती है और आमिर मोहम्मद खान की बेटी है। लिबरल सोच की मालिक सुमैरा मलिक अमूमन पारंपरिक लिबास में ही नजर आती है। नंबर 7 पर है मरवी मेमन। मेमन मुख्तलिफ मामलात पर अपने बोल्ड स्टेटमेंट्स की वजह से जानी जाती है। मर्वी मेमन ने एक बयान दिया था जिसमें वो कह रही थी, नॉन लीग पार्टी वाले लोग औरतों की इज्जत उतारते हैं और उन्हें बेपर्दा करते हैं। इसके बावजूद उन्होंने नॉन लीग पार्टी को ही चुना। उनकी सियासत जमात नॉन लीग ही है। नंबर 6 पर है हिना रब्बानी। पाकिस्तान की पहली कम उम्र फॉरेन विमेन मिनिस्टर है। अपने ओहदे के अलावा वो स्टाइल एंड खूबसूरती के लिए मशहूर है। हिना रब्बानी गुलाम रुस्तफा खां की भांजी है। नंबर 5 पर है कश्मरा करी।
कश्मीरा गरीब पाकिस्तान की हसीन पॉलिटिशियन में से एक है। कश्मीरा को बी बोल्ड स्टोन्स की वजह से जाना जाता है। कश्मीरा दो दफा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुकी है। कश्मीरा वीमन राइट्स की अलमबदार भी है और अपने बोल्ड और बेबाक स्टेटमेंट्स के लिए मशहूर है। कश्मीरा का ताल्लुक मुस्लिम लीग कास्ट से है। नंबर चार पर है अली जे इकबाल हैदर। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स स्पेशलिस्ट नेशनल असेंबली की मेंबर है। अली जे फॉर्मल लॉयर इकबाल हैदर की बेटी है। उन्होंने कदम रखा था अपने वालिद के मिशन को जारी रखने के लिए। अली जे पाकिस्तान के फर्स्ट पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भोपाल की स्पोक्स पर्सन भी है। नंबर तीन पर एला मालिक, जिन्होंने अपनी खूबसूरती से दुनिया के लोगों को खुद पर फिदा कर रखा है। वो एक यंग चार्मिंग वॉलेटाइल फीमेल पॉलिटिशियन है। एला मलिक फॉर्मल फेडरल मिनिस्टर सुनारा मलिक की बहन और प्रेसिडेंट सरदार फारूक की भांजी है। इमरान खान के काम और उनकी मेहनत को देखकर इन्होंने पीटीआई ज्वाइन किया। नंबर दो पर है हिना परवल भट्ट। पॉलिटिशियन के साथ साथ एक होनहार डिजाइनर भी है। हिना परवल गोल्ड मेडलिस्ट है और इस वक्त पंजाब असेंबली में एमपी सर्व कर रही है। हिना पाकिस्तान में तब्दीली लाना चाहती है और घरेलू मसलों को खत्म करना चाहती है, जैसे कि चाइल्ड मैरिज जैसे इश्यूज। नंबर एक मरियम नवाज। मरियम नवाब नवाब शरीफ की बेटी है और ये पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव रही हैं। दरअसल पाकिस्तान में 25 जुलाई को नेशनल असेंबली के लिए चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों में हिंदू वोटर्स की अहम भूमिका रहने वाली है। इस बार हिंदू वोटर्स में 30% का इजाफा हुआ है और ऐसे में हिंदू वोटर्स इन चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में 25 जुलाई को नेशनल असेंबली के लिए चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वोटर्स के आंकड़े जारी किए हैं, जो बताते हैं कि पिछले 5 सालों में पाकिस्तान में गैर मुस्लिम मतदाताओं में 30% इजाफा हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा हिंदू वोटर्स की संख्या बढ़ी है। पाकिस्तान में हर पार्टी हिंदू वोटर्स को अब रिझाने की कोशिशों में लगी है, क्योंकि इन सीटों पर वो फैसलों का असर डाल सकते हैं। पिछले चुनावों में अब तक कितनी बढ़ी हिंदू वोटर्स की संख्या? पाकिस्तान चुनाव की वेबसाइट पर दिए आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2013 के चुनावों में हिंदू वोटरों की संख्या 14 लाख थी, जो साल 2018 के चुनावों में 17.7 लाख हो गई, यानी वोटर्स की संख्या में 3,70,000 का इजाफा हुआ। पाकिस्तान में हिंदू सबसे बड़े अल्पसंख्यक हैं। अगर आबादी की बात करें तो साल 2017 में उनकी आबादी 38.8 लाख है। दुनिया भर में हिंदुओं की पांचवी बड़ी आबादी पाकिस्तान में रहती है। PEW संस्था की रिसर्च कहती है कि 2050 तक वहां 52 लाख से ज्यादा हिंदू हो जाएंगे, तब पाकिस्तान हिंदू आबादी के मामले में चौथा बड़ा देश होगा। पाकिस्तान में हिंदू ही नहीं बल्कि बाकी अल्पसंख्यकों की जनसंख्या में भी बढ़ोतरी हुई है, जहां ईसाई समुदाय की जनसंख्या वर्ष 2013 में 12.3 लाख थी, जो कि 18 में 16.4 लाख हो गई है। सिख समुदाय की आबादी साल 2013 में 8,852 थी, जो कि 2018 में 5,934 रह गई। पारसी समाज साल 2013 में 3,650 की संख्या में था, जबकि वर्ष 2018 में 4,235 हो गए। 2013 में बौद्ध समाज के 1,452 लोग थे, जबकि 2018 में 1,884 इनकी संख्या हो गई। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल 372 सीटें हैं। इनमें से 272 के लिए सीधे चुनाव होते हैं, जबकि 60 सीटें रिजर्व हैं। 60 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हैं, तो 10 अल्पसंख्यकों के लिए। इन 10 अल्पसंख्यक सीटों में 6 पर हिंदू सांसद चुने जाते हैं। मौजूदा नेशनल असेंबली में भी यही स्थिति है। 10 अल्पसंख्यक रिजर्व सीटों में 6 पर हिंदू, 3 पर ईसाई और 1 पर पारसी समुदाय के नेता को सांसद के बतौर चुना गया था। वहां सांसदों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बल्कि मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली यानी MNA कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। वैसे भारत में हुए पिछले लोकसभा चुनाव से लेकर हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव को देख लें या फिर किसी भी उपचुनाव पर एक नजर डाल लें, लगभग चुनावों पर सोशल मीडिया का असर देखने को मिला ही है। लेकिन पाकिस्तान, जो कि हमेशा से भारत की देखा देखी करता आया है, इस मामले में भी पीछे नहीं है और इस बार पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर जमकर प्रचार किया जा रहा है, जिससे युवाओं को जोड़ा जा सके।
युवा किसी भी देश की शक्ति है और पॉलिटिक्स में युवाओं की जितनी ज्यादा भागीदारी होगी उतना ही देश विकास करेगा। लेकिन बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का इतिहास बहुत दमदार नहीं रहा है। यहाँ महिलाओं का पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट भी कम ही दिखता है। पाकिस्तान में पहली महिला लीडर 1988 में सामने आई। उससे पहले किसी भी महिला की राजनीति में भागीदारी देखने को नहीं मिली। हालांकि आज का युवा थोड़ा बदला है, उनकी सोच अब देश के लिए बदली है। वो मानते हैं आज नहीं तो कल पॉलिटिक्स का पार्ट तो बनना ही है, उन समस्याओं से तो आमना सामना करना ही है जो पाकिस्तान की आम आवाज आज कर रही है। लेकिन यहाँ युवाओं की सोच मिली जुली है। यंगस्टर अब अपने नेता को चुनना चाहते हैं और अपने बीच में से चाहते हैं। वो कोई ऐसा नेता नहीं चाहते जो हैंडसम डूड हो और काम के मामले में जीरो हो। पाकिस्तान के हालात अब किसी से नहीं छुपे हैं। यहाँ की इकोनॉमी हो, यहाँ की सियासत हो या विकास, हर चीज का स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है। ऐसे में यहाँ के युवा वो नेता चाहते हैं जो इस देश के गिरते स्तर को दोबारा उठाए, विकास की चिड़िया बनाए। और इसलिए अब पाकिस्तान में किसी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को देश का चेहरा बनाना चाहते हैं। लेकिन हर युवा की सोच यही नहीं है। कुछ ये भी मानते हैं कि लीडर कोई भी हो काम नहीं करता है, सिर्फ वोट के लिए काम किया जाता है। पाकिस्तान की खूबसूरत सियासत का नजारा इस वीडियो क्लिप में देखिए। ये कौन औरत होती है हमारे फ्यूचर का फैसला करने वाली? हमारे साथ क्या हुई थी ये? दे जरा जवाब दे, हमें जवाब दे, ये औरत किसने हमारी क्यों निकाली? नाम कौन पर एक जगीर तरीन का इलेक्शन जितवा के हमारी मां बना दी? हमने हजार इलेक्शन जितवाए, हमने इलेक्शन नहीं जितवाए, सड़कों पे रुले हैं, हमने जाके धरने दिए, अपनी गाड़ियां तोड़वाई, हमने धरने दिए। क्या यही वजह है कि यूथ पॉलिटिक्स से दरकिनार है? पाकिस्तान के बहुत कम युवा हैं जो पॉलिटिक्स जैसे गंभीर मुद्दे पर बात करना पसंद करते हैं। यहाँ का यूथ, खासकर महिलाएं, अपनी बुनियादी चीजों की लड़ाई लड़ रही है। ऐसे में पॉलिटिक्स में आने का उन्हें मौका नहीं दिया जाता है। हाँ, फिर भी सोशल मीडिया पर धीरे धीरे इन लोगों ने अपनी जगह बनाना शुरू किया है और पाकिस्तानी सरकार ने भी राजनीति में महिलाओं को ना के बराबर भागीदारी देखकर नॉर्म्स बनाए हैं। पाकिस्तानी यंगस्टर्स की राजनीति में बढ़ती रुचि पाकिस्तान के भविष्य के लिए अच्छे संकेत हो सकते हैं। लेकिन फिर भी कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से युवाओं ने राजनीति से दूरी बनाई हुई है और अगर इन मुद्दों पर काम नहीं किया गया तो पाकिस्तान के लिए खतरनाक हो सकता है। तो इसी खबर के साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको छोड़े जाते हैं टेढ़ी नजर के साथ। नमस्कार।